सबसे पहले स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड देखें। इंडक्शन मशीन को स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्टेटर साइड से जो मेथड्स हमने सजेस्ट किए हैं उनमें सबसे पहली है वी बाय एफ कंट्रोल। तो इसके लिए सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मशीन इज गिवन बाय एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी, वाइल एक्चुअल स्पीड ऑफ मोटर इज गिवन बाय एन एस इंटू 1 माइनस एस। सो हियर सिंक्रोनस स्पीड एंड देयरफॉर द स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, राइट? वंस फ्रीक्वेंसी इज चेंज दिस स्पीड इज चेंज एंड देयरफॉर एक्चुअल स्पीड कैन ऑल्सो बी चेंज। ऑन द अदर हैंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय 4.44 के विच इज द वाइंडिंग फैक्टर इंटू 5 एम मैक्सिमम फ्लक्स इंटू फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू N1। ओके, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी से ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज की इवन विल आल्सो चेंज टू मेंटेन द सेम एयर गैप फ्लक्स। तो और अगर हम स्टेटर पर वोल्टेज ड्रॉप को निग्लेक्ट कर दें तो हम V1 को E1 के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम वी एंड एफ कंट्रोल पॉसिबल समझ सकते हैं कि स्टेटर साइड पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज किया और वेरिएशन इन स्पीड कैन बी अचीव्ड। हाउएवर ये मेथड बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं आती है क्योंकि इसको हम वहीं यूज कर सकते हैं जब इंडक्शन मोटर को रन के लिए करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड जनरेटर अवेलेबल हो जो कि फ्रीक्वेंसी को इजीली वेरी कर सके बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर। ऑल्सो देर इज वन मोर प्रॉब्लम कि लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मोटर का करंट बहुत ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्टेंस डिक्रीज होने से करंट हाई होना हम सजेस्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी को हमने बियॉन्ड रेटेड वैल्यू चेंज किया इंक्रीज किया तो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड विल फॉल, स्पीड बढ़ेगी मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए ये मेथड बहुत वाइडली यूज में नहीं आती है।